नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, प्रेम लॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी बात कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और दुआओं में याद कर लीजिएगा। बस इतना ही बोलना था। अब देखिए, ये दिद्दी जिज्जा लोग जितने बैठे हुए ना बिलोगर्स, ये एक दिन का चैन नहीं लेने देते। जब आप सोचो कि आज हम रिलैक्स करेंगे, उससे डबल ट्रिपल अमाउंट में गोबर फैला देते हैं यूट्यूब पर कि अब क्या करेंगे इससे ज्यादा, तो पता चलता है ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मुझे लगा था कि आज का मेन फुटेज हमारी आहा लेके जाएगी, उनको वॉश एक्सपीरियंस हुआ था कहीं पानी में कूदी मार के, तो मैंने सोचा चलो आज इनको सरप्राइज दे देंगे। अब वेट कर लिया है, अब इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगी मैं बड़े वाले सरप्राइज का। लेकिन जो मेन खिलाड़ी होता है वो मेन ही होता है। ये देखिए, शय और मात डीजे टब्बर की तरफ से सारी की सारी मेन फुटेज ले गया डीजे टब्बर। रात मतलब वीडियो बनाने ही बैठने वाली थी मैं, फुटेज सारे खा गई है डीजे टब्बर वाले, और अच्छे आहा को मिलेगा छोटा सा पार्ट। और वो पार्ट मैं कहाँ पर बोलूंगी ये मैं अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अच्छे आहा को भी चाहिए अपना सरप्राइज। मैं क्यों बताऊं कब दूंगी, पूरा देखे सुने, आप तो सुन ही लेते हैं, हम आउचिया को भी सुनवाएंगे ना पूरी बातें, आउचिया के लिए भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो वीडियो शुरू किसी और तरह से किसी और के लिए होना था, लेकिन आप जानते ही हैं खिलाड़ी लोगों ने पासा पलट दिया है, तो अब बात कहीं और से ही शुरू हो गई। आप जानते हैं कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर माँ बाप धमाके किया करते हैं, करवाया करते हैं, और वही हुआ। YouTube के इतिहास में माँ बाप ने धमाके कर दिए, सबसे बड़े दिन सबसे पहले जन्मदिन पर अपने ही बच्चे के इन्होंने धमाके किए, जोरदार किए। और क्या किया, तो हुआ ऐसा था कि देखिए, मैं तो अपनी आउचिया को आज फुटेज देने वाली थी, केला मूंगफली सब खिलाने वाली थी, और मैंने पोस्ट भी डाला था वॉश एक्सपीरियंस को लेके। अब वहां पे थोड़ी देर में कॉमेंट आने लगे कि एजेंट नन्नू रो दिया है। मैंने कहा ए, इसने तो कर दिया गुड़ गोबर। देखने ही बैठी थी कि वहां से हमारी पुत्तन चीखते हुए आई। मैं सोचा जल्दी देख लूं कहीं हाइड ना हो जाए। वैसे भी औरत के दुख तकलीफ एक औरत पहले सुनेगी ना, लेडीज कम फर्स्ट, तो मैंने सोचा पहले उसकी सुन लेते हैं। जैसे जैसे वो बात बोलती जा रही थी, अब मेरी जो सलाह थी वो देखे सही साबित होती जा रही थी। वैसे तो दोस्तों जन्मदिन है कंटेंटू का, लेकिन इस बात का जो फायदा और सबसे ज्यादा गिफ्ट्स बटोरे हैं वो बटोरे हैं माई और बापू ने। कैसे, देखिए उधर एजेंट नन्नू ने वीडियो डाला रोते रोते, रो रहा था याद में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ज्ञान और बहुत ही प्यार लुटा रहा था, पॉजिटिविटी लुटा रहा था बेसिकली, याद में था वो, दिल में दर्द हो रहा था उसके याद की वजह से। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उसको ये याद रहा कि एड लगना चाहिए इस वाली वीडियो में, ऐसे ही नहीं डाला उसने, मतलब इतना दुखी भी नहीं था कि भाई एड लगाना भूल जाता हूँ। उधर पुतनिया को देखिए, एकदम गुस्से में तमतमाई हुई लग रही थी आपको, गुस्सा आ रहा है, खुश नहीं है, जैसे भरे हुए बैठे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड होना गलत नहीं है, अगर आप गुस्सा है किसी से, है ना, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और भड़क जाते हैं और वो बाहर आ जाता है, वो गलत नहीं है। लेकिन वो इतना भी गुस्सा नहीं थी कि वो भी ऐड लगाना भूल जाती। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, लेकिन अगर कोई नए लोग सुन रहे हो तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो ऐड लगते हैं ना यूट्यूब पर, उसके पैसे मिलते हैं और वो अपने आप ऑन नहीं होता है। जब आप अपलोड करते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चेक करता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इस वाली वीडियो में, ऐड लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर नहीं लग रहा होता है, मैं बता दूं, जितनी देर वो चेक चल रहा होता है उतनी देर अगर आप अपनी वीडियो को पब्लिक भी कर देते हैं देखने के लिए, तो उसमें ऐड रन नहीं होता उतनी देर, वो ऐसे ही चलता है बिना ऐड के। तो आपको अपलोड करने के बाद पहले प्रोसेसिंग का वेट करना होता है, फिर चेकिंग का वेट करना होता है, उसके बाद आप जो है मैनुअल ऐड भी सेट करते हैं बीच में जाके कि कितने कम से कम ऐड प्ले आपके हिसाब से होने चाहिए, उसके बाद आप पब्लिक करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पिताजी हैं दुखी, अत्यंत दुखी पिताजी, ये इतने दुखी भी नहीं थे कि भूल जाते इस प्रोसेस को, और उधर माताजी इतनी भी गुस्सा नहीं थी कि भूल जाती इस प्रोसेस को, मिल के दोनों ने मिल बांट के खाया है। अब मैं पहले ही बता देती हूँ, आप तो मुझे जानते ही हो, मैं ना इसकी ना मैं उसकी, ना मैं एजेंट नन्नू की तरफ से ना मैं डीजे टब्बर की तरफ से, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। जो मैं देखा, जो मेरे को लगा, मैं वो बोलने वाली हूँ। तो अब ये हमारी जो ये बेस्ट मी है,
बेस्ट डीजे टब्बर है जो बहुत बहुत पाल रहा है, पोस रहा है और तैयारी करता कर रहा है बड़े दिन का, कंटेंटो के बड़े दिन का। तो इन्होंने बड़े दिन की शुरुआत पे क्या किया उस पर गौर कीजिए। ये जो वीडियो आया ये मेरे यहाँ पे दोपहर के 3 बजे के आसपास आया, यानी कि आपके यहाँ पे जब ये डाला गया उनके यहाँ पुत्तन के यहाँ पर तब 12 बजे के आसपास या थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया होगा। तो आप सोचिए इन लोगों का दिमाग जन्मदिन मनाने में बिल्कुल नहीं था, इतना भी नहीं हुआ कि चलो ठीक है उसका दिमाग खराब हुआ तो होने तो हम अपना अच्छा कर लेते हैं और गुस्सा करेंगे हम ये जन्मदिन के बाद। नहीं, इन्होंने सबसे पहले बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, शूटिंग कराई गई, एडिट करा, अपलोड करा, प्रोसेस होने दिया, मोनेटाइजेशन को ऑन किया और पब्लिक कर दी वीडियो। तो बेसिकली इन लोगों का जो पहला वो था, सबसे पहला इनका कहते हैं ना गोल था, वो ये था कि बड़े दिन की शुरुआत होते ही कलेश डाल दो ताकि किसी की कोई जिम्मेदारी ना रहे। उधर वो नन्नूपुर से एजेंट नन्नू क्या बोलता है कि वो यहाँ पर है नहीं तो हम कुछ करेंगे नहीं, इतना बड़ा कुछ करेंगे नहीं, हम बस शगुना कर देंगे, बहुत अजीब लगेगा, लोग इकट्ठे होंगे, ये होगा वो होगा। अरे क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए कौन ऐसे लोग हैं जो एक बापू को अपने बच्चे के जन्मदिन को मनाने के लिए पूछे तू तो जन्मदिन क्यों मना रहा है, क्या जरूरत पड़ी है? अरे कोई पूछे तो लड़ जाओ उनसे कि क्यों ना मनाऊं मैं, मेरा है मैं तो मनाऊंगा। और ये भी तब बोल रहा है जब इसकी खुद की मी इसके साथ खड़ी हुई है, 4 बार बोली हाँ 2 दिन बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, ये ही इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। तो दोस्तों ये तो हो गई इनकी दुकानदारी की बात है, अब हम अपनी दुकान संभाल लेते हैं। एजेंट नन्नू, इसको मैंने याद हो ना हो लेकिन 2-3 हफ्तों से मैंने समझाया, मैंने बताया कि ये जो तू रो रो के जूते चुम रहा है और सामान में से धूल झाड़ रहा है और ये सब जो कर रहा है अचानक से तेरा शुरू हुआ है, ये तेरे को भारी पड़ जाएगा। नहीं मानी, पड़ गया भारी। उधर मोटू मल ने इस चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठाया और देख पासा पलट दिया तेरा, अभी जो अच्छा अच्छा लग रहा था ना सब उल्टा पड़ जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए, इसको बोला गया था कि गिफ्ट भेजना शुरू कर दे, यहाँ पे भी भेज दे वहाँ भी भेज दे, जहाँ पे भी होगी वहाँ पे मिल जाएंगे उसको गिफ्ट। वो ले रही है नहीं ले रही है इससे तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, तुझे अपना काम करना चाहिए, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। अगर माना होता तो इतना बुरा हाल तेरा नहीं करती वो आके। उसको मतलब मौका इसने दिया है, इसी ने बनाया है वीडियो कि मैं कैसे करूँ, मैं शगुना कर दूंगा, यहाँ होता मैं बड़ा नहीं कर सकता, यहाँ होता तो बड़ा फंक्शन करता, नहीं तो नहीं करूँगा। क्यों भाई, कि गांव वाले क्या कहेंगे? अरे गांव वालों को कुछ कहने ना कहने के लिए कोई मौका छोड़ा है तुम लोगों ने? हर चीज़ तुम्हारी पड़ी हुई है। अब देखो फिर से हो गया, पहले जो हुआ था वो कम हुआ था, उससे पहले जो हुआ था वो कम हुआ था, मतलब गांव वालों को क्या नहीं पता अब तुम्हारा, जो तुमको वो बचा के रखना था, शर्म क्या आ रही थी? कोई कहता कि क्यों, कोई कहता कि गांव वालों की सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? गांव वालों को नहीं पता कि कहाँ पे है वो, क्यों बैठी हुई है, नहीं पता गांव वालों को। और ये भी कि नहीं है नहीं आ पाता उसका भी इंतजाम कर सकता था, अच्छा खासा टाइम, बहुत लंबा टाइम था इसके पास कि कम से कम बड़े दिन के लिए 1-2 घंटे की ये परमिशन ले लेता, या तो खुद जाने की ले लेता या फिर उसको लाने की, अपने पास लाने की ये ले सकता था परमिशन, लीगल वे में जाके लीगली हो जाता, इतना तो हो जाता कि 1 दिन की परमिशन इसको मिल जाती। पर क्या जरूरत है, जब 2 आंसू बहा लो 4 बातें बोल दो उससे काम चल रहा है तो चला लो, फिर भाग दौड़ क्यों करनी है, बोल दो हमारा मन नहीं लगता है, मैंने बोला था करने के लिए नहीं करा और यही भारी पड़ गया। इसके अगर ये कर लेता तो इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं रहता कि इसने ये नहीं करा इसने वो नहीं करा। अब मोडू कोबरा को देख लीजिए और खुद ये पुत्तन को देख लीजिए, पुत्तन रातों रात आई, भागी भागी आई, 1 दिन पहले ही आई और इसीलिए आई, उसने बोल भी दिया आज कि मैं इसलिए ही आई हूँ क्योंकि नहीं तो मेरे सर पर डाल देते कि ये यहाँ पे बैठी नहीं है तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लगता है इसका तो मन नहीं था वैसे आने का, ये तो बोली रही थी मेरा मन नहीं कर रहा, ये मोटू मल और इंकुड़े क्यों घसीट के लेके आए कि इनके सर पे कुछ ना आए, नहीं तो लोग इनको भी कहते हैं कि क्यों तुमने क्यों बैठा के रखे, तो इसलिए वो घसीट के उसको लेके आए रातों रात। मोडू मल ने स्पेशल छुट्टियां अप्लाई करी हैं, वो वाले मोडू मल ने जो खुद की मी से मिलने कमरे तक में नहीं आता था वो लेके आया इसको। एजेंट नन्नू को लगा था कि 2 टसवे बहाएगा जंग जीत लेगा, मैंने पहले भी बोला था साक्षात मोडू किंग कोबरा षड्यंत्रकारी, सबसे बड़ा मामा शकुनी के बाद जिसका नाम लिया जाता है वो मोडू किंग कोबरा ही है, उससे सामना है। नहीं मानी बात,
अब यहाँ इसने दो टच वेबा है, उधर उसने देखो स्क्रिप्ट लिख के और शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग चल रही थी और इंकोडी और मोरू किंग कोबरा सामने बैठे हुए थे। ये डीजेमी रोटियां बना बना के उनको खिला रही थी। एक तरफ ये बोलते हैं, वैसे डीजेमी का देखिए, एक तरफ ये बोलते हैं डीजेमी टेंशन में जाती है, डीजेमी रोने लग जाती है, डीजेमी को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, डीजेमी कॉमेंट पढ़ पढ़ के रोती है। डीजेमी के सामने ये बैठ के बटिया कैमरा लगा के चीख चिल्ला रही थी। डीजेमी से इतना नहीं हुआ कि बोल देती कि आज रुक जा, जन्मदिन मना ले, फिर अच्छे से जवाब देती हूँ। डीजेमी रोटी बनाने में मस्त। डीजेमी ने भी पहली बार, नहीं तो पुतन बनाती है रोटियां वहां पर पंजों में फंसा के, देखा है ना आपने। डीजेमी ने भी पहली बार रोटी बनाने से पुतनिया को छुट्टी दे दी, बोली रोटी आज मैं संभाल लूंगी, सबको खिला दूंगी, तू बस बैठ कैमरा पकड़ एडिट वेडिट कर, जन्मदिन गया तेल लेने। अब एजेंट नन्नू ने सोचा कि ऐसे इमोशनल कार्ड खेल देगा, बस हो जाएगा काम। अरे भाई बहुत बड़ा नहीं कर सकते थे, शादी ब्याह के जितना बड़े स्केल पर नहीं कर सकते थे, लेकिन छोटा सा तो कर, 10 लोग आसपास के बच्चे इतने सारे दिखते आते जाते हैं, उन्हीं को बुला के कुछ कर लेना था। मोटू से शानपत्ति करना था। मोटू को देख लीजिए, इस बार इतनी बड़ी गलती नहीं करी कि पुत्तन को लाइव पे बैठा दे। मोटू ने कहा कि लाओ रोटी दो, खाते खाते डायरेक्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट भी करता हूँ। उसकी स्क्रिप्ट क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे तैयार हुई थी तो बहुत सारे कट थे, और लाइव इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि फिर पॉइंट मोटू ठीक नहीं करके बता सकते थे। मोटू सामने बैठे थे, आवाज़ आ रही है वीडियो में बीच बीच में, तो वो ठीक करके बता नहीं सकते थे मोटू। और लाइव करते तो फिर मोटू के सर पे आता कि लाइव क्यों करवाई इससे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मोटू ने स्मार्टली खाना खाते खाते स्क्रिप्ट भी बताई, शूटिंग भी करवाई और डलवा भी दिया। दूसरी पहचान ये कि मोटू ने स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि आप देख लीजिए जब भी मोटू की स्पेशल स्क्रिप्ट आती है ना तो अपनी जयकार लगवाने से कभी पीछे नहीं हटते हैं मोटू मल। मोटू मल ने अपनी जयकार भी देखो कौन कौन सी चीज़ों में लगवाई, कि मोटू मल डायपर चेंज करते हैं, मोटू मल घुमाते हैं, मोटू मल खिलाते हैं, मोटू मल ये, मोटू मल वो। अरे जब मोटू मल के पास जाके उतनी दूर रहेगा तो मोटू मल नहीं करना पड़ेगा, और कौन करेगा। अब ये तो बोल नहीं सकते यहाँ पर एजेंट नन्नू को कि जा तो वहाँ पे बस पकड़ के जा और वहाँ जाके खिला, उसको तो एंट्री भी नहीं, आने भी नहीं देंगे, ये तो बोलेंगे हम तो जानते ही नहीं है। पुतानिया ने खाली मोटू मल और इंकुड़ी की जयकार नहीं लगाई, डीजे टब्बर पूरा डीजे गंज वालों की भी जयकार लगाई। बोलती है कि किसवें दिन से डीजेमी कर रही है, बत्ती बदतमीज कर रहा है, वैक्सीनेशन बत्ती बदतमीज लगा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब देखो ये तो हो गई बेकार की बात, जहां पर आकर रहेगी वहीं के लोगों को तो करना पड़ेगा। अब ये तो एक्सपेक्टेशंस बेकार है कि सासू आके करेगी मायके में कि आओ मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करूंगी, वहां रह के लड़ती क्यों करवाओ क्यों नहीं करवाते तो बात समझ में आती, तब मना करती तो सासू सुनती। तो डीजे मीने करा तो करना ही पड़ता। दूसरी बात ये है कि ये पुतन यहाँ पे मोटू मल की स्क्रिप्ट करके लीक। पुतनिया ने पहले बोला, कई बार बोला मुझे निकाल दिया जाता था, मुझे निकाल दिया जाता था, और एक बार ये बोले कि मैं 2 बैग लेकर निकल रही थी तो पीछे से बोलते हैं जा रही है तो वापस मत आई हो, यानी कि साफ साफ पुतन अपनी मर्जी से वहां से निकल के आई थी। तो जब निकल के अपनी मर्जी से आई थी और फिर ये बोलना कि वो आके नहीं यहाँ पे करता है, ये कहाँ का सेंस बनता है, कोई सेंस नहीं इस बात का। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, इसने अपने मुंह से बोला कि ये 2 बड़े बड़े बैग लेके निकल रही थी। अब 2 हाथों में 2 बड़े बड़े बैग कि ये गेट भी ना खोल पाए, तो इससे कोई पूछा कि उस टाइम पर कंटेंटू कहाँ था। मुझे तो पता है कहाँ था, लेकिन मैं मर्यादाओं में बंधी हुई हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। इससे पूछे कि ये जब ये 2 बैग लेकर निकल रही थी तो उस टाइम पर कंटेंटू कहाँ था। मुझे तो बहुत हंसी आई जब पुतनिया ने बोला बड़े इनोसेंटली, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे चलाकियाँ नहीं आती। मैंने कहा वो अगर वो इनोसेंट है तो मैं तो पैदा ही अभी तक नहीं हुई हूँ। ये बोलती है, अब देखिए इनका जो है पैसा प्रेम कहाँ कहाँ से निकलता है। बोलती है कि प्यार मुझे भीख में नहीं चाहिए, प्यार भीख में मत दो, पैसा भेजो। पैसा क्यों नहीं भेजते हो, सामान भेजो, मांगा भी तो क्या मांगा, पैसा मांगा। नहीं तो बोल सकती थी कि डेली आया कर, 1 घंटे मिला कर, जो दे के जाना दे के जाया कर, ड्रामा नहीं चाहिए, आया कर मिला कर, 1 घंटा स्पेंड कर और डेली चला जाया कर चुपचाप। नहीं, पैसा भेज दो। डीजे गर्ल वालों का मेन कंसर्न ये था कि फाइनेंशियली एजेंट नन्नू इनको पह क्यों नहीं भेज देता है, चुपचाप अपना रहे पह भेज दिया कर टाइम पर, क्योंकि इनके खर्चे हो रहे हैं। ये बार बार बोल रही थी खर्चे लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए, मतलब उस कंटेंटू से जुड़े हुए हर एक इंसान को शर्म आनी चाहिए कि वो लोग उसको पाल लें कंटेंटू को। साफ साफ नजर आता है कि जब वो उस दुनिया में आ तो गया था लेकिन बाहर नहीं आया था, उसने दुनिया नहीं देखी थी,
तब से वो छोटा सा कंटेंट तो पूरे डीजे टब्बर को संभाल के बैठा हुआ है। और इनके बीच में जो लड़ाई हुई है ना वो इसी वजह से है, इनके बीच में जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो इन्हीं वजह से हुई है कि कंटेंटो सबसे ज्यादा किसको पालेगा। डे वन से झगड़ा हुआ था इनके, उसमें बहस हुई थी कि किधर जाएगा, उधर जाएगा कि उधर जाएगा, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये उस टाइम पर तो पुतनिया चली उधर अपने नन्नूपुर में, बोल रही है कि मेरी खुशी से जा रही हूँ। तो उधर डीजे मी को खुशी नहीं हुई इस बात की कि चलो मेरी लड़की अपने ससुराल जाके खुश है, अपने वहां पे एडजस्ट होना चाहती है, इस बात की खुशी नहीं हुई। वहां पे उधर रोने चीखने शुरू हो गए, आंखों में आंसू टपकने शुरू हो गए कि हाय हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, हाय हमारे पास नहीं आने दिया जा रहा है, हाय हाय मचा के कलेश तभी डाल दिया गया था। फिर बना काला महीना, उसके बाद बंटवारा हुआ कि ये जो पुतनिया है ये देगी अपियरेंस हफ्ते में 2 से 3 दिन वहाँ डीजेगंज में और आधे दिन यहाँ पे नन्नूपुर में देगी। ये बंटवारा ही इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पे भी दे और वहाँ पे भी दे, लेकिन इससे मासड़ जी का पेट नहीं भर रहा था तो ये तरकीब निकाली गई। जब 3 दिन इतना अच्छा फायदा हो जाता है तो 7 दिन का फायदा क्यों ना अवेल किया जाए। तो देखिए ये वाला मुद्दा तो खत्म ही हो गया कि ये सब मिलके उसको पाल रहा है, बात तो यही है कि ये सबको पाल रहा है। अब आप लोग लगा लीजिए, सोचिए मेरी बातों, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं लेकिन आप सोच के देखिए, इन सबके बिलोग में से, इन सबके एपिसोड में से कंटेंटू को हटा दीजिए कि कंटेंटू को एकदम प्राइवेट लाइफ दे दी है, वो दिख नहीं रहा है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये है वो, उसका उसके रिलेटेड कोई कॉन्टेंट ही नहीं है। तो आप ही लगा के देख लीजिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इनकी लाइफ में। फिर अब आप एक और कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट मोड़ूमल रिंकुड़ी द्वारा लिखी गई थी। इसके वीडियो की मेन कंसर्न फिर से वही निकल कर सामने आ गया कि मैं बिजनेस लेके वहां पे गई, यूट्यूब का बिजनेस मैं लेके वहां पर गई। मेरे तो दिमाग में फिर से एक वही सवाल आ गया फिर कि ये बोलती है कि बिजनेस लेके ये वहां पे गई, अब उसका तो हमें पता ही है कि वो बिजनेस के चक्कर में इसको लेके आया, इसकी क्या मजबूरी थी। वो तो चलो मान लेते गरीब था अमीर होना चाहता था इनके हिसाब से, कि वो गरीब था उसके पास कुछ नहीं था, उसको सब कुछ चाहिए था तो उसने इससे शादी कर ली कि बिजनेस आ जाएगा और मैं अमीर होकर आराम से ठाट से खाऊंगा, उसकी इंटेंशन ये थी। इसकी इंटेंशन तो मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी ये तो कॉमन सेंस होता है कि जब एक लड़की और लड़के की शादी होती है, अब जौन से भी उनके बिजनेस होते हैं, वो आपस में आधे आधे शेयर कर लेते हैं। ये दुनिया में कुछ ऐसी नई निराली अनोखी चीज नहीं हुई है इसके साथ में जो इसको कोई समझाता ही नहीं है। इन लोगों के हिसाब से तो एक औरत जो सिर्फ एक होम मेकर है ना, उसकी कोई औकात ही नहीं है, चाहे अवचा हो चाहे ये हो, पैसा कमा रही है तो ठीक है। क्योंकि देखिए इनके हिसाब से जैसे ये बोल रही है, तो अगर एक पति है वो बाहर से कमा के ला रहा है, नौकरी करके ला रहा है, कल को उठ के वो बोल देगा ये तो मेरा पैसा है, ये तो मेरी कमाई है, चल तू निकल ले, तेरा कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी। इसीलिए ना लोगों ये लीगल लॉ बने हुए हैं, ऐसे कोई निकाल नहीं सकता है। ऐसी पति का भी होता है, मतलब पति का भी उसमें होता है पत्नी के साथ में, अनलेस कि कुछ और स्पेशल केस ना हो। लेकिन इन लोगों को ये बात कौन समझाए, बिजनेस ले लिया, बिजनेस ले लिया, गए क्यों थे तुम उसके पास बिजनेस लेके, कोई मजबूरी थी क्या? अब गरीबी से ज्यादा बड़ी भी कोई मजबूरी होती है क्या? क्या मजबूरी थी? अब जो कि इस बार बागडोर मोड़ूमल किंग कोबरा के हाथ में है, तो मोड़ूमल किंग कोबरा ने भिकवा दिया है पुतनिया से ट्रम्प कार्ड। पुतनिया ने साफ साफ बोल दिया, इन्विटेशन दे दिया है सबके सामने यूट्यूब पर कि एजेंट नन्नू अब जन्मदिन मनाने जा सकता है, खुशी खुशी जा सकता है, हंसते खेलते जा सकता है, यहाँ तक कि लाइव करता हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ भी जा सकता है। यानी कि अब इनविटेशन मिल चुका है एजेंट नन्नू को। एजेंट नन्नू ने सोचा था कि मैं 2 टसवे बहा लूंगा और हाथ झाड़ लूंगा और बात खत्म हो जाएगी, जाके आराम से सो जाऊंगा और फिर कल को अपना नॉर्मल सा बी लोग पॉजिटिव वाला बना के डाल दूंगा सबके मुंह पर। लेकिन यहाँ पे तो ट्रम्प कार्ड चल, मैंने कहा था मोड़ूमल किंग कोबरा से पंगे लेना बहुत मुश्किल है, बहुत सोच समझ के सोचना पड़ता है तब लेना पड़ता है। तो अब एजेंट नन्नू क्या करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, वैसे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब एक है गोल्डन चांस, उसने अब इसको नहीं गवाने का, बहुत अच्छा मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका बल्कि अपना घर भी बचाने का, सब सब मिलके। हमारी पुतनिया ने ये भी बोला था अपने ये जय जयकार लगाते हुए, अपने डीजे टब्बर का जय जयकार लगाते हुए, कि इंकुड़ी ने बहुत घर जोड़ू जोड़ने वाले वीडियोस बनाए। अब इस पुतनिया को जो यहाँ से नहीं सोचती है, जाने कहाँ से सोचती है, घुटनों से सोचती है, कहाँ से सोचती है, बोलती है कि वीडियोस बनाए जोड़ने वाले। अब ये जरा सोच के बताए वीडियोस से क्या होता है। उसने वीडियोस में एड लगाए, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। उसने इसकी प्राइवेट बात बेच बेच कर उसमें एड लगाए, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। वीडियोस बनाए मेरी जिज्जी ने, अरे कभी ये भी तो सोच बैठ के, जब तेरे साथ में रह रही थी तेरी जिज्जी तब उसने कुछ नहीं किया,
जब वहां पहुंच गई तो उसने जोड़ने वाला एक ही वीडियो डाला था, हाथ जोड़ती हूँ जुड़ जाओ, इससे क्या होता है। तो उसके सबका सबका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा सबका। तो एजेंट ननू ने क्या करना है, अब जाना है टीजरगंज, जाना है अकेले नहीं जाना है। एक तरफ पुलिया के मोड़ोमल किंग कोबरा खड़ा हो और दूसरी तरफ पुलिया के बत्ती बत्तमीज खड़ा हो जाए, उसको ऐसे घेर के खड़े हो जाए, वो पहुंचे ही ना। उधर से वो हमारी जो पुतन है वो भी लोग बना के बोल दे, देखो जी मैंने तो बुलाया था आया ही नहीं। तो ऐसा रिस्क नहीं लेने का, आसपास के अर्जेंट बेसिस पर थोड़े टाइम डिसाइड करे, उसको बता दे कि इस टाइम पर मैं जाऊँगा आऊँगा, मतलब अपना केक ले, गिफ्ट ले, गुब्बारे ले, सब कुछ ले, और आसपास के 10 लोग और अपनी मी सबको ले जा, अच्छे से इकट्ठा कर और लाइव भी करवा। जैसे वो बोल रहे हैं लाइव करो, तो लाइव भी करवा, कंटेंट भी बन जाएगा तुम लोगों का। लाइव करवा के अपने एक दोस्त इसी काम के लिए रख, क्यों वो वीडियो बनाता हो चले, सोने पे सुहागा होगा। और तुम लोगों के वो पंचायत वंचायत के कुछ मेंबर्स भी चले जाएं तो कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो समझदार होते हैं। अगर एक दूसरे के पीछे तुम दौड़ लगा दोगे तो वो लोग रोक सकते हैं तुम लोगों को, तो वो भी हो जाए इंतजाम, तो वो भी अच्छा है। जा बर्थडे बना 2 घंटे का, और मैं तो कहती हूँ वहां पे झप्पी पाले प्यार से, एक दूसरे का एकदम झप्पी पालो तुम लोग, और मना के कि बहुरिया चलो लेके आओ उसको। वहां पे हमारी जो इनकुड़ी जोड़ने वाली वीडियोस बना बना के काम चला रही है, उसके लिए कितना अच्छा कंटेंट हो जाएगा। वो वहां पे अपनी पुतन गुस्सा होगी, नहीं मैं गुस्सा हूँ मुझे जाने दो, मुझे बात नहीं करो, गुस्सा है ना वो। तो वहां पे अपनी इनकुड़ी का देखो कितना गोल्डन चांस है, उसका हाथ पकड़े, अपने सर पे कसम रखे, सर पे हाथ रखे और कसम खिला दे, नहीं मेरी पुतनिया बिटिया तू जा ससुराल में और अच्छे से रह, खुशी खुशी रह वहां पर, जा बेटी जा। बोले कि एक चांस और ले मेरी बिटिया, एक चांस और दे उसको, और जा वहां पर थोड़ा एडजस्ट करके देख क्या बात हो रही। अब तू वीकेंड वीकेंड ना आई, यहाँ पर डीजे में खुजली करे, रोए चीखे, थर्मामीटर मुंह में डाले, मैं देखूंगी, बत्ती देखेगा, हम लोग देख लेंगे। तू वहां पे रही, तू वहां पे रही, पहले थोड़ा सा एडजस्ट हो जा बाद में आई। ऐसा नहीं कि छोड़ देना डीजे मी को, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जा फिर आइयो बाद। और अगर उसके साथ हमारी पुतन के साथ जुल्म हो रहे हैं नन्नूपुर में, तो उसके पास भी पूरा अधिकार है कि वो बिलोक बनाकर तुरंत बता दे, लाइव लगा दे, कैमरा लगा दे, देखो मेरे को ऐसे कह रहे हैं, देखो मेरे को वैसे कह रहे हैं, फिर लोग देख लेंगे ना कि क्या हो रहा है। ऐसे छीछा छेदा करने से तो अच्छा अच्छे से कर लिया करो फिर। अब लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में भी आए कि एजेंट ननू ने तो पुतन का नाम ही नहीं लिया था, वो तो बेचारा उसको कंटेंट को याद करके रो रहा था, तो ये क्यों भड़क गई। देखिए भड़काया है उसने, उसने इनडायरेक्टली उसको ऐसे पिंच किया है, पोक किया है, बहुत जोर से किया है। उसने बोला कि कंटेंट मेरे जैसा ना बने, ना क्यों ना बने मेरे जैसा, क्योंकि हमारे जो एजेंट नन्नू है वो अपनी मी और अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, करता कंटेंटू से भी है और उससे पुतनिया से भी करता है प्यार, लेकिन उसने सबसे पहले बोला कि वो अपनी मी और बहन से बहुत प्यार करता है। यानी कि बोलना चाहता है कि जो कंटेंटू बड़ा होकर अपनी पुतनिया से प्यार ना करे उसको गुस्सा नहीं आएगा। और ये इनडायरेक्टली ये लोगों को जताने की भी कोशिश की गई कि पुतनिया जो है एजेंट नन्नू को मी और बहन से दूर करना चाहती है। भाई ये तो बहुत ही ऑफेंस, मैं कहती हूँ पुतन के लिए क्या, ये तो सबके लिए बहुत ऑफेंसिव बात हो गई है। ये बोलना चाहता है कि ये प्यार करता है अपनी मी और बहन से, इसलिए अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता है। तो मतलब जो दुनिया में इतने सारे आदमी अपनी बीवियों के संग रह रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो वो प्यार नहीं करते होंगे अपनी मी और बहन से, क्योंकि वो तो बीवी के साथ रहते हैं। अब मी और बहन से प्यार जताने के लिए तो खाली उनके साथ ही रहना चाहिए, बीवी को तो निकाल देना चाहिए बाहर, ये बोलना चाहता है। भाई अगर टॉन्ट ही मारना था पुतनिया पे तो कोई अच्छा टॉन्ट मार लेना चाहिए था, ये सबको घसीटने की इसमें जरूरत ही क्या थी। और वैसे भी अगर समझते हैं कि नहीं बन रही होगी सास बहू में, तो कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच में चलो एक बिचौलिए का काम करें या समझाने की कोशिश करें। अगर मी ज्यादा अड़ रही है तो मी को समझाएं, बीवी ज्यादा अड़ रही है तो बीवी को समझाएं, और नहीं बन सकती है दोनों की आपस में तो और भी तरीके होते हैं भाई एक साथ रहने के। नहीं पता है, वैसे मुझे तो पता ही नहीं इनकी कौन सी कहानी है, क्या कहानी है, कौन सा जुल्म हुआ, पता ही नहीं चलता है। इतना कुछ ये बोल के जाते हैं लेकिन मेन रीजन क्या है वो नहीं पता चलता है इनका, आज तक नहीं पता चला। अब इनके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा है ये तो हम जान नहीं सकते। जहां तक मुझे लगता है सास बहू का झगड़ा इतना बड़ा है नहीं, तो सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं, तो मैं हर घर में होती है, लेकिन इस तरह से कोई ऐसे भाग नहीं जाता है कि भाई अब तो हम साथ में रह नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वही सोचता है ना कि रहना तो पति के साथ है, ठीक है चाहे चाहे करती है सासू तो सुन लेंगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन वही है बिजनेस, बिजनेस का बंटवारा। अब कंटेंट टू आगमन के बाद हम मैंने जो पुत्र का बिहेवियर देखा है, हफ्ते हफ्ते भाग जाना, बिना मतलब के भाग जाना, 3-3 दिन रहना, अब कोई बोलेगा कि भाई मायके ना जाए लड़की, तो
इसी वजह से तो वो एडजस्ट नहीं कर पाई ना ससुराल में। तो इतना भी कौन जाता है फालतू में, वो भी तो वहां भागे रहना, और वहां पे उसका अपियरेंस, और अपियरेंस में भी ऐसा कि कंटेंटू वहां डीजेगंज के चैनल पर नजर आएगा, खुद पुतन के भी नजर नहीं आता। तो ये चाहते होंगे कि यहीं पर रहे, यहीं पर नजर आए। हाँ, एजेंट नन्नू का ऐसा है, अगर वो साथ रहना चाहता है तो आ जाए डीजेगंज में, जैसे मोटू कोबरा रहता है, और आ जाए, लेकिन उसके चैनल पे कंटेंटू तब भी ना नजर आए, नजर वो वहीं पे आएगा मामू की जान बन के। चलिए अब देखेंगे कि ये जो बड़े दिन वाले ब्लॉग बनेंगे ना, इसका सबसे मेन अपियरेंस कंटेंटू का कहाँ पे जाएगा, कौन सी शॉप पे आएगा, वो हम देखने वाली बात होगी। हमें तो पता है कहाँ आएगा, लेकिन आप लोग भी देखेगा कहाँ पे आएगा। वैसे तो अब मुझे लगता है कि इन लोगों ने कलेश इस वजह से डाला है कि कौन सेलिब्रेट करेगा, कलेश डाल दो। अब ये क्या करेंगे कि कहेंगे हमारा तो मूड खराब हो गया था, कोई तैयारी नहीं कर पाई, तो हम तो जा रहे हैं पिया के होटला कुछ, वहां पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन देखते हैं, चांस देते हैं, और होटला जाने की भी जरूरत नहीं है, जरूरी थोड़े ना पीआर इनके हिसाब से मिले। सामान जो है गिफ्टा का ऐसा है, मैं बता दूं कि पीआर वाले ना बर्थडे स्पेशल भी गिफ्ट्स भेजते हैं। और ऐसा भी हो सकता है बोलते हैं कलेश हो गया था, हमने बस फिर केक लिया है, सिंपल काट लिया हमने, घर में ही बैठ के केक काट लिया, चले जाएंगे बाहर साग खा लेंगे सरसों का, हो गया काम। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो देखिए कि शांति के दूत इंकुड़ी द पिंकुड़ी भी आके अभी गोबर फैलाएगी। अभी मोटू मल किंग कोबरा जहाँ मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, वो भी वहाँ बैठ के स्क्रिप्ट बना रही होंगी। इंकुड़ी सुबह उठेगी और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेगी, वो भी अपना बोलेगी ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुख हो गया, परेशानी हो गई, प्यार कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आ जाओ मना लो, ये कर लो। अब देखता है, बोली दिया ना हमने, वो करेगा लाइव करेगा, और उसमें हमारी इंकुड़ी अपने सर पे हाथ रख के दोनों की कसम खिलवाएगी कि अब तुम एक हो जाओ, प्यार करो एक दूसरे को, झगड़े वगड़े मत करो, अरे प्यार कर लो। तो ये हो गया देखिए एक्शन और रिएक्शन। उधर एजेंट नन्नू ने चलाकी से एक्शन करने की कोशिश करी, इधर मोड़ू किंग कोबरा ने रिएक्शन करवा दिया। हाँ, लाइव करना चाहती थी वो, लेकिन लाइव करने नहीं दिया, क्योंकि मोड़ू मल किंग कोबरा इज वेरी स्मार्ट। बोला कि नहीं, मैं अपने ऊपर छिट्टे नहीं लेने तुम्हारे गुब्बर के। अब चलते हैं इंकुड़ी का गांव, क्योंकि इसके रायता फैलाने से पहले इंकुड़ी ने अपना नाम वहां पर बहुत साफ करने की कोशिश करी। लोग जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पुत्तन अनाउंस करके गई थी यूट्यूब छोड़ के, और अगले ही दिन चली आई। अब लोगों ने प्यार बरसाने की कोशिश करी, तो उन्होंने प्यार भी बरसाने दिया, तो लोगों ने दूसरे घर जाके यानी इंकुड़ी का घर जाके प्यार बरसा दिया। तो इंकुड़ी पूछते हैं, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमेंट क्यों कर रहे हैं, प्यार ऐसे क्यों बरसा रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकती है, वो ये यूट्यूब पर डिपेंड करती है, मैंने वो सच में जा रही थी, मैंने उसको रोका है, मैंने उसको कसम दी है अपनी, तब वो रुकी है, तो वो नहीं जा सकती क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती है। हमने कहा देखो, हमें तो ये बात पता ही थी, तभी तो वो झूठी बनी ना, क्योंकि उसने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, एक दिन बाद आ गई, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ लोगों ने तभी बोल दिया नहीं जाने वाली है। लोगों को ये बात पता थी कि वो डिपेंड करती है यूट्यूब पर, तुमको नहीं पता थी वो डिपेंड करती है, उसको वीडियो डालने क्यों दिया तुम लोगों ने। मैं बताती हूँ इसमें इंकुड़ी के कितने नेक इरादे थे और कितने काले इरादे थे। सबसे पहले इस वीडियो की बात करूंगी। अब आपने वो वीडियो खुद ही देखा था, जो अनाउंसमेंट पुत्तन के यूट्यूब छोड़ने वाली अनाउंसमेंट वाला वीडियो था, ये जो वीडियो शूट हुआ था ये इंकुड़ी के सामने ही शूट हुआ था। आधा वीडियो उसने बालकनी में चढ़ के शूट करा था, जब मच्छर ने काटना शुरू करा तो ये अंदर आके बैठ गई, मतलब सारा का सारा वीडियो इंकुड़ी वहीं बैठ के सुन रही थी, पता चल रहा था कि वो क्या अनाउंसमेंट कर रही है। अगर इंकुड़ी इतनी कंसर्न थी कि ये नहीं छोड़ के जा सकती है, तो उसको वीडियो बनाने क्यों दिया। और चलो इसने सोचा होगा कि अपनी भड़ास निकाल ले, कैमरे पे बोल दे, फिर बाद में समझाती हूँ। तो इसने उसको देखो पूरा वीडियो बनाने दिया इसने, उसके बाद इसने एडिट करने दिया, उसके बाद इसने अपलोड करने दिया, उसके बाद इसने मैनुअल एड भी लगाने दिए, सब कुछ हो जाने दिया, उसके बाद इसको होश आया कि उसको ये जरूरत है यूट्यूब की। अच्छा चलो होश आ गया इसको कि इसको जरूरत है, तो वो वीडियो क्यों नहीं हटवा रही है, हटवा दे, वो झूठी बन रही है। इसने ये सब इसलिए करा ताकि पुत्तन भी झूठी बन जाए। इंकुड़ी आज तक झूठी कहलाती आई है, तो उसका ताज, अपना झूठे वाला ताज वो पुत्तन के सर पे शिफ्ट कर रही है और कुछ नहीं। नहीं तो ये डालने नहीं देती, अभी तक डाला हुआ है तो हटवा देती कि अब ये बात झूठी पड़ रही है, इसको हटा दे, तेरे हित में नहीं जा रही है। लेकिन नहीं भाई, डॉलर्स डॉलर सबसे ऊंचे, सबसे प्यारे डॉलर्स। वैसे मैं बता दूं कि जो इंकुड़ी ये पुतनिया को लेके गई है कि मैं साथ देने के लिए लेके गई हूँ, ये करने, अपना नाम ही साफ कराया है इसने। इंकुड़ी ने खुद का नाम साफ करा है, उसका नाम खराब करा है। आपने देखा ही ना, ये चील बनाने इसके साथ भागी भागी बाहर धूप में घूम रही थी, कंटेंटू को कमरे में बंद कर, ये किसने दिखाया बहुत अच्छे से डिटेल में, इंकुड़ी ने दिखाया। कंटेंटू के लाल लाल दाने हो रहे हैं, उसके बाद भी उसको लेके इधर उधर घूम रहे हैं, ये किसने दिखाया। इंकुड़ी के ब्लॉग में दिखा था उसका सब दाना वाना, जब सारा दिख गया था फिर पुत्तन दिखाने लगी अपने आप, नहीं तो जो पहला अपीयरेंस हुआ था उससे पहले वो सिर्फ पीछे से पीठ हाथ ही दिखा रही थी। ये किसने करा, इंकुड़ी ने करा। कौन दिखा रहा था,
कि मोटू माल और इंकुड़ी तो दिन भर केयर गिविंग में लगे रहते हैं। बाहर कौन घूमता रहता है, भरी धूप में बाहर कौन घूम रहा है? पुत्तन घूम रही है। ये किसने दिखाया? इंकुड़ी ने दिखाया। कुल मिलाकर अगर कुछ इंकुड़ी ने साबित किया है तो वो ये साबित करा है कि पुतनिया एकदम केयरलेस है, उसको कुछ नहीं पड़ी है। उसको बस अपने बाल सेट कराने होते हैं, मुंह के फर के बाल नचवाने होते हैं, ये सब उसका काम कराने का वो है इच्छा है, इसलिए वो यहाँ तक चली आई है। जो सर पे किसके डाल के गई है जिम्मेदारी? मोडूमल के और इसके इंकुड़े के, कि डायपर बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये सब इंकुड़े ने तो अपने यहाँ गिनवाए। आज इससे फिर से वीडियो में बुलवा दिया, क्लियर करवा दिया, हम बहुत अच्छे हैं भाई। अब बात करते हैं कि इसको जबरदस्ती कसम खिला के लाए क्यों। ये हम पुत्तन ने कई बार बोला है कि वो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी तीसरी बार हुआ है जब वो बोल रही है कि उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, लाइफ बर्बाद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो छोड़ के जाना चाहती है। तो इसको ये जबरदस्ती कसम खा के वापस लाए क्यों? बोलती है कि डिपेंड करती है, ये जुटुक की इनकम पे डिपेंड करती है, उसका प्रोफेशन है ये। अब डिपेंड कैसे करती है वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि इंकुड़ी ही है जिसने वीडियो बनाकर, आपको याद होगी वो वाली वीडियो जिसमें इंकुड़ी ने बोला था कि पैसे ज्यादा नहीं आते इस यूट्यूब से, यूट्यूब पैसे नहीं देता है। तो ये डिपेंड कैसे करती है जब यूट्यूब से पैसे नहीं आते हैं तो? और अगर आज ये कहती है कि पैसे आते हैं और डिपेंड करती है तो भी क्यों करती है और कैसे करती है, आज तक क्यों कर रही है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, कमाई बिजनेस का खेल। पुतनिया को कम से कम, और इससे ज्यादा भी आए होंगे शादी के टाइम पर, पहले अगर पूरा काउंट करें, ये जब से यूट्यूब पर है 4-5 साल से, अगर पूरा शुरू से लेकर आखिर तक काउंट करेंगे ना, तो 2 लाख से ऊपर ही एवरेज लगा के चलिए, लेकिन हम 2 लाख पर मंथ की इनकम लगा के चल रहे हैं। 2 लाख पर मंथ की इनकम के हिसाब से 25 लाख साल का, और 5 साल का अगर हम बहुत राउंड करके एकदम रफ एस्टिमेट लगाएंगे तो 1 करोड़ रुपए कमाए हैं हमारी पुतनिया ने 5 सालों में यूट्यूब से। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसमें ये देख लीजिए कि अगर ये बोले शादीशुदा जिंदगी को 1 ही साल हुआ है, अब ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हमने शादी के टाइम पर बहुत सारी डोरी दे दी। डोरी तो एक ढेले की भी नहीं दी, नहीं तो अभी तक तो एजेंट नन्नू जेल में बैठा होता अगर दी होती इन्होंने एक ढेले की भी, और बोली भी है कि नहीं दी, तो डोरी तो थी नहीं, तो यानी कि डोरी में कहीं पैसे गए नहीं। शादी कैसे हुई वो सबने देख लिया। पुतने ने बोला कि जो शादी करवाई है वो मास्टर जी और ये मासी जी इंकुड़ी और मुड़ो किंग कोबरा ने ही करवाई है शादी, इसीलिए उसको शायद ऐसी चलता कर दिया था, ऐसे टाटा बाबा कर दिया था, टूथब्रश भी नहीं दी थी, डीजे मीना कुछ नहीं किया। मतलब ये भी एक मजे की अपने आप में बात है, जो मुड़ोमल किंग कोबरा एक चप्पल खरीद कर खुद नहीं पहनता, उसने पुतनिया की शादी कराई, वो भी एजेंट नन्नू से, जहाँ पे बिजनेस का खतरा हो रहा था। अरे हंसी है आप लोग, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये एक जोक है कि मोड़ो किंग कोबरा ने शादी करवाई है। 1 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो 1 करोड़ रुपए में हमारी जो पुतनिया है वो अपनी मी के पास रह रही है छत्र छाया में 5 सालों से। अब मी तो पैसे नहीं लेती होगी कि ला मेरे पास रह रही है तो सारे के सारे मुझे दे, मी तो अपना खुद बच्चों को पाल लिया, क्योंकि इंकुड़ी ने बोला है कि मी पाल रही है सब, और इसका कोई अपना खर्चा है ही नहीं। हमारी पुत्तन तो बेचारी उतरन पहन पहन के चला लेती है, कोई बहुत बड़े शौक है ही नहीं उसके, ऐसा नहीं है कि खूब सोना चांदी खरीदती है, खूब ट्रिप लगाई है उसने, या खूब शॉपिंग करी है बड़ी बड़ी, ये इतनी सारी कुछ किया ही नहीं है उसने कि बहुत खर्चा हो गया होगा उसका। चलिए थोड़ा बहुत डब्बे भरवाती होगी मी, लेकिन इतना तो भरवाती नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा खासा इसके पास अमाउंट है कि आराम से ब्रेक ले सकती थी यूट्यूब से और अपनी कुछ और बिजनेस कर लेते, ये वाला बिजनेस नहीं, कोई और बिजनेस ये आराम से कर सकते थे। बिजनेस नहीं तो कहीं जमीन अच्छी ले सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, कोई अच्छा कुछ कर सकते थे भाई, बहुत कुछ कर सकते थे उन पैसों से। लेकिन इन्होंने क्या करा, नहीं तो कुछ और क्यों करेगी, तो यहाँ से क्यों निकलेगी, तो यूट्यूब में ही पड़ी रहे। इनकोडे ने खुद बोला है कि यूट्यूब आज है और कल नहीं है, और देखिए कुछ कह भी नहीं सकते, टिकटॉक का डब्बा गोल हुआ कि नहीं हुआ, कल को यूट्यूब का गोल हो जाएगा तो सोचिए पुतन का क्या होगा। इंकुड़ी के पास तो अपना अपना खुद का घर है, अपनी खुद की गाड़ी है, कैंपस का कमरा है, अरे बहुत, मान लीजिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ससुराल में जाकर रह सकती है। इसको पुतन को कंपेयर कर लीजिए, ना डीजेगंज में कोई कमरा है, ना अब वहाँ नन्नूपुर से डब्बा गोल करवा चुके हैं ये, ना अपना कोई घर है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी, एक जिम्मेदारी है बस इसके सर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, कुछ अपना है नहीं इसके पास। ऐसी पुत्तन को इन्होंने जुटुक के भरोसे डाल के रखा हुआ है कि कुछ और करना रहे, हो सकता है उसने इसकी बात सुनी हो कि जुटुक आज है कल नहीं है, तो कुछ अच्छा करना चाहती हो, कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहती हो, लेकिन करने नहीं दिया उसको, कसम खिला के यहीं बैठा दिया उसको। दुकान ना बंद करने का ये बोलते हैं कि इसके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, कोई पुत्तन के ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं जो एकदम सच्चा वाला प्यार करते हैं, एकदम सच्चा प्यार।
और वो चाहते ही नहीं कि इसकी जिंदगी आगे बढ़ जाए यूट्यूब से। उनका यह है कि वो आके बेचारी वो पुत्तन रो रो के जाती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरा कुछ ज्यादा बन नहीं रहा है। लेकिन ट्रू सब्सक्राइबर्स को क्या चाहिए कि ये पुतनिया आए, अपनी लाइफ जो है उसकी खराब हो गई उसका रोना रोती रहे और इनको मजे मिलते रहे। ट्रू सब्सक्राइबर, इनको ट्रू सब्सक्राइबर नहीं, इनको लफंडर बोलते हैं, जो ये बोले कि अपनी लाइफ खराब करके तुम हमारे लिए चटपटे एपिसोड देते रहो। जबकि रियलिटी बस इतनी सी है कि अगर सबसे पहले यूट्यूब पे पुतनिया ने अपनी दुकान बंद कर दी तो सबसे पहले जो दुकान बंद हो जाएगी वो बत्ती बदतमीज की बंद हो जाएगी। बत्ती बदतमीज की बंद हो जाएगी यानी मोडो किंग कोबरा का बिजनेस बंद हो जाएगा। और देखिये मोडो किंग कोबरा का ऐसा है कि अगर टाइम पे पै नहीं आते, मंथली सैलरी नहीं आती, तो मोडो मल किंग कोबरा इज वेरी चिड़चिड़ा, पेज दे देता है मोडो किंग कोबरा, जैसे अभी दे रखा है एक साल से दे रखा है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुकान चलते रहे। और खुद अपने मुंह से इनकुड़ी बोली है कि मैंने बोला है बिलोग बना, जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन के 3 चैनल का कंटेंट है, तो बंद करके बैठ जाएगी तो हम लोग कैसे डालेंगे। इसलिए उसको जबरदस्ती घसीट के पहले से पहले लेके आ गई कि जन्मदिन मनाना है तो चल बिलोग बना, तो चल गए और ये रायता फैलवा दिया। क्योंकि अगर नॉर्मल ये जन्मदिन मनाते तो कोई ज्यादा देखता नहीं, नॉर्मल ही इनके पास आते व्यूज, तो ये उस पर मिर्ची डाल दिया कि अब सब आके बैठ के देखेंगे कि जन्मदिन में हुआ क्या। आप लोग भूल ना जाएं, इसलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ, जो पुतन की लाइफ के इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिससे ज्यादातर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग का जो कॉन्टेंट रहता है, शादी होना, इनके लैंग्वेज में बीमारी होना, और इन लोगों ने देखिए सारा का सारा जो उसका मेन इवेंट हुआ है लाइफ का ना, वो सबसे पहले किसकी दुकान पर आया है, बत्ती बदतमीज के चैनल पर आया है। यहाँ तक कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक माँ बाप के लिए होता है, अपने बच्चे का फेस रिवील करेंगे, वो तक इसने अपने यहाँ पे कर दिया था, फोटो लगा दी थी, याद होगा आप लोगों को। तो आप इसे लगा लो फिर, बिजनेस का कितना इनके सर पे चढ़ा हुआ है जुनून सवार, इनको कुछ नजर नहीं आता उसका। तो क्लियरली और सेफली बोल सकते हैं कि जितने भी लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं ना, ये ससुराल का तो एक बहाना है। हाँ ठीक है, सासू ने चुई पुई कर दी होगी, झगड़ा भी कर लिया होगा, बात भी बोली होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ है कि भाई इतना बड़ा मैटर बना रखा है। मेनली अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यही, कॉन्टेंट को कैसे डिवाइड करना है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे आने चाहिए, बिजनेस वहां पे क्यों चला गया, ये सारा इनका रोना गाना है। मैं तो आज भी यही बोलूंगी पुतन को कि आजमाना है आजमा ले, 1-1.5 महीना बिल्कुल छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, मतलब कहीं पे नजर भी मत आ, किसी और के यहाँ पे भी नजर मत आ, छोड़ के देख, आजमा के देख, तो पता चल जाएगा तू कहाँ पे नजर आएगी, कहाँ स्टैंड कर रही है तू। फिर तुझे पता चल जाएगा कि जय जयकार किसके लगानी है, किसी के लगानी भी है कि नहीं लगानी, कि खुद की जय जयकार तुझे करनी पड़ेगी। खैर अंत में ये डीजे टब्बर के लिए क्या बोलना है, ये पुतन के लिए यही बोलेंगे कि हमने देखा है, देखिए हिस्ट्री पढ़ी है, और गुलामों ने भी गुलामी की जंजीर एक टाइम के बाद बगावत किया ना, तोड़ दिया उन्होंने भी कि भाई अब हम अपने लिए करेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे। इसके साथ ऐसा क्या है वो समझ में नहीं आता है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चलता है, एक दिन छोड़ के जाती है, अगले दिन उसको घसीट के वापस बैठा देते हैं, कुछ और सोचने भी नहीं देते। अच्छा ये भी नहीं कि चलो अपने आप सोचे, 2-4 दिन तो सोचे, फिर समझ में आया कि अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं ये कर लूंगी, उतना मौका भी नहीं देते हैं, तुरंत बैठा देते हैं कि सोच भी ना पाए कि यहाँ से निकल सकती है कि नहीं। तो क्या मजबूरी है वो ही जानती होगी, कष्ट होगा जंजीर तोड़ने में, लेकिन तोड़ के तो देख, क्या पता खुशियां आ जाए। हाँ थोड़ा टाइम कष्ट रहेगा, लेकिन तोड़ सकती है गुलामी की जंजीर, तोड़ ले। मतलब ये भी नहीं बोलूंगी कि नहीं नन्नूपुर जाके ही रहना है, खुश रहे ना रहे नहीं पता वहां पे क्या है कैसा है इसके साथ, तो वो तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अपने आप के लिए सब अच्छा कर सकती है। मोडूमल से क्या कहें, इतनी बेशर्मी, कैंपस को बिलोंग करते हो, देखो क्या मचा रखा है दोनों ने, समझाओ, बुजुर्ग हो घर के, करो कुछ काम, छोड़ दो उसको, अब करने दो उसको, अपने पर उसको फैलाने दो, उड़ जाने दो उसको जहाँ उड़ना चाहती है, आसमान में अपना आसमान एक्सप्लोर कर लेना दो उसको भी कुछ। अरे भाई थक गई मैं, अब आउचिया का भी मैंने, मैं तो सोच रही थी नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर आउचिया बोलेगी मुझे बैठा के रखा है यहाँ पर और मेरी बात भी नहीं करी, तो बात जब पलट गई फिर वो अपने में चिखेगी अपने बिलोग में। तो चलिए बोल देते हैं, बता देते हैं, देखिए बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, मैंने सोचा था लंबा संभा बताऊंगी लेकिन अब शॉर्ट में बताऊंगी। आउचिया से सबसे पहला सवाल यह है कि आउचिया ने बेसिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया है कि नहीं किया है, एक वर्ड सही नहीं। अब इसमें यह ना बोले कि अंग्रेजी का मजाक, अंग्रेजी ना आने का मजाक उड़ा रही हूँ, नहीं अंग्रेजी ना आने का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जब वर्स्ट बोल सकती है तो लिखने में वर्स वर्स पता नहीं क्या लिखा था, मुझे तो समझ में भी नहीं आता कई बार, तो जो भी लिखा था वो लिखा था। खैर आहुचिया ने शेयर करा एक पानी वाले क्लब का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आहुचिया का अच्छा नहीं रहा,
उसमें मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं कि नहीं अच्छा ही बताना चाहिए था। देखिए हमें नहीं पता कैसा था कैसा नहीं था, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया है कि अवचा ने सच बोला था कि झूठ बोल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि हाँ प्यार करने जाती तो अच्छा ही अच्छा बोलती, तो प्यार करने नहीं गई हुई थी, अपने खुद के एक्सपीरियंस से गई हुई थी। और कैसे अब लोग बोल रहे हैं अवचा के पास तो खाली थी अवचिया, अवचे तो एकदम खाली हो गई थी, नर छोटों ने लूट रखा था, तो इसके पास पैसे कहाँ से आ गए? तो मैं बता दूँ, याद दिला दूँ, अवचा ने खुद ही बताया कि अवचा ने जो रोना रोया था जाके कि मेरा बिजनेस डूब रहा है डूब रहा है डूब रहा है। तो अवचा की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अवचा के एक सब्सक्राइबर ने अवचा के सारे कपड़े खरीद लिए। मैं बता दूँ कि 500 की कुर्ती अवचा 2000 में बेचती है और उसी रेट पर खरीद लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके खरीद लिए। मुझे तो सब्सक्राइबर पे आ रहा है कि बताइए 500 का सामान 2000 में खरीदा, अब क्या 4000 में आगे बेचा जाएगा? क्या वो उसकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है? अवचा ने बोल दिया कोई मदद नहीं की या मेरे मैंने सामान दे दिया। अवचा ने मस्त खेला है ना, देखो दोस्तों कहानी सुनाई, अवचा ने बोला कि ये हो गया मेरा बिजनेस डुबा दिया इस नर छोटू ने, और नुकसान मुझे लूट लिया फ्रॉड कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, इसी चक्कर में वो सूटा खरीदे सब्सक्राइबर ने। और उस सब्सक्राइबर से पहले के हमारी अवचिया दौड़ पड़ी उसी नल्ले को लेकर पानी में कूदी मारने के लिए, ये मस्त हुआ वैसे। अब हमारी अवचिया ने जरूर व्हाट्सएप की होगी अपनी एक फोटो ऐसे करते। जो दूसरा मेन हाईलाइट था जिसमें टाइटल पोस्टर पर लिखा बड़ा बड़ा वर्ष एक्सपीरियंस छिड़ गई मैं कहा लो भैया, मतलब कभी पड़ रही है वहां छटंकाबाद में, चलो देखे अंदर क्या है। देखा अंदर कुछ नहीं, कोई छिड़ी बड़ी कुछ नहीं हुआ अंदर। अवचा आहा जो दूसरों पे कमेंट करती है कि मुझे जज करते हैं, मतलब जो 4 साल से देख रहे हैं 4-4 चैनल पे देख रहे हैं, वो अवचा को जज नहीं कर सकते, लेकिन अवचा इतनी पारखी नजर लगती है कि शक्लें देख के लोगों को जज कर रही है कि ये छड़ू हो सकता है वो छड़ू नहीं हो सकता है। तो अवचा ने वहां पर जो लड़कों का झुंड आया था उनकी शक्लें देखकर डिसाइड कर लिया कि ये तो छड़ेंगे ये तो हाथ लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अवचा बता रही है ना, अवचा वो सब पता होता है। अवचा के पास इस बात का एक्सप्लेनेशन देखिए, अवचा बोलती है कि ये जो लड़के हैं ये ग्रुप बनाकर वो गहरे पानी में जाकर पीछे खड़े हुए हैं। नहीं अवचा चाहती क्या थी कि अवचा आगमन देखते ही वो लड़के पूरे तालाब में फैल जाते, फिर अवचा कहती कि देखो मुझे देख के इन्होंने मुझे घेर लिया। अरे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने देखा हो कि कम गहरे पानी में लेडीज लोग अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं तो वो पीछे जाके खड़े हो गए होंगे कि वहां हम लोग चलते हैं। मतलब ये हो गया है कि अवचा आहा सर्टिफिकेट वहां लड़कों को बांट रही थी कि ये छेड़ सकता है वो नहीं छेड़ सकता है, उसकी शक्ल छेड़ू जैसी है उसकी नहीं है, जबकि खुद सबसे बड़े सर्टिफाइड नल्ले नर छोटों के साथ घूम रही थी। अब कहेंगे इसमें छेड़ू का क्या लेना देना, तो आपको शायद याद नहीं है हमारी अवचा ने खुद ही सर्टिफिकेट दिया है नर छोटू को। नर छोटू लेडीज से बदतमीजी करते हैं, उल्टे सीधे सवाल जवाब बातें करते हैं, हिंसक भी हैं। तो हो सकता है, अब देखिए हमारी अवचा जहां पे नर छोटू को लेकर खड़ी हुई थी फोटो सेशन करा रही थी तो खुद वहां से भीड़ जो है तितर बितर होकर भाग गई थी। भाग गई थी क्यों? लेडीज भाग गई थी क्योंकि उन्होंने हो सकता है हमारी अवचा की बिलोक देख ली हो, और वहां पे तो अवचा बोल ही रही थी कि लेडीज के साथ बदतमीजी कर देते हैं ये, तो वो इस डर से भाग गई होंगी। लड़के लोग ग्रुप बना के इसलिए पीछे झुंड बना रहे होंगे इकट्ठे होके, क्योंकि अवचा ने सर्टिफिकेट दिया था कि ये तो हिंसक है, पता ही नहीं जान का खतरा है, तो उन्होंने सोचा होगा करे हिंसा अभी सही कर देंगे हम लोग, इसलिए क्या पता इसलिए हो रहा हो। कभी अपने को भी देखो, अपनी शक्लें भी देखो, शक्लों पे मत जाओ लोगों की, क्योंकि शक्ल देख देख कर तो भाई फिर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अवचा का ऐसा है कि इनको कोई जज मत करो, ये तो शक्ल देख के जज कर लेंगे, इनकी हरकतें देख के कोई जज मत करो इनको। तो वो कैसे लड़के हैं कैसे लड़के नहीं है इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। अवचा ने अपनी तरफ से टाइटल डाल के उनको बदनाम कर ही दिया है कि वो छड़ू ही है सर्टिफाइड बाय अवचा आहा, क्योंकि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना नर छोटू के साथ रह रहे। अवचा आहा का प्लान देखिए आप, ये पानी में कूदी मारने का प्लान। अवचा आहा वैसे अपने असली छोटू को स्कूल नहीं भेज रही है 2 हफ्तों से, इंजेक्शंस लग रहे हैं कि गर्मी हो रही है तबीयत खराब हो जाएगी मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, हालांकि पूरे बाकी के 7 के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको ना गर्मी लग रही है ना उनको कोई तकलीफ है। अवचा आहा इसलिए बचा के रख रही है स्कूल भेजने से कि तबीयत खराब ना हो जाए, वही अवचा उसी असली छोटू को लेके वहां इतनी गर्मी में जब सर पे सूरज हो और नीचे ठंडा पानी हो वहां पे ले जाके एक्सप्लोर करा रही थी, स्कूल नहीं भेज सकती है वहां पे ले जा सकती है। अब मेरे को तो अपने डाउट से स्कूल ना भेजने की, मैंने आपको बताया है, हो सकता है वो पीआर का ही हो, उन्होंने बोला आगे की फीस भरो तो आगे फिर कंटिन्यू कर लेना, तो अवचा ने कहा कि अगले साल फिर वेट कर लेंगे, चलिए वो तो बाद में खुल जाएगा कंटिन्यू करती है नहीं करती। अवचा आहा को हम याद दिला देते हैं, शायद खुद भूल गई है, लेकिन अवचा आहा को इनके असली छोटू के डॉक्टर ने साफ मना करा हुआ है
कि पानी में नहीं ले जाना, भिगाना नहीं, जब जब ये ट्रिगर पॉइंट है, जब जब पानी में भिगाया इन्होंने तब ये ठीक नहीं खराब हो गई है। तो क्या चाहती क्या है कि पहले बोलते हैं कि मैं प्लान बहुत पहले से कर रही थी, बहुत पहले से मेरा प्लान था कि पानी में जाके खुद ही मारनी है। अब आप सोचो बहुत पहले से कब से, बहुत पहले से तो ये सताई हो रखी थी, इनका तो तलाक का वो चल रहा था, वकीलों से बात हो रही थी, पेपर वर्क हो रहा था। तो पेपर वर्क के मतलब ये वकील, मुझे तो लगता है वकील को फीस दे रही होंगी, अब वहां पर बैठ के सोच रही होंगी कि ये नोटिस भेजो उससे पहले एक बार क्या पानी के अंदर छलांग मार के अटकेलिया कर लो उनके साथ में। आउचे आहा ने 2 बार डिक्लेयर कराया है यूट्यूब पर, पहले भी करा हुआ है जब बोल रही थी कि डर लगता है कहीं मारपीट ना हो जाए, और दूसरी बार कि जान का ही खतरा बता दिया था कि जान का खतरा है। ऐसे नर छोटू के साथ खुद तो गई गई वह खतरनाक जगह पे जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी, साथ में वो बहिनिया को भी बांध के ले गई। और बहिनिया मैं कहती हूँ मायके वाले देखे क्या मस्त लोग हैं, मायके वाले एक तरह से आउचा को उसके हाल पर छोड़ चुके हैं। आउचा ने बताया ना कि अब तो कोई पूछता भी है उनसे तो बोलता है हम क्या करें, जो उसकी लाइफ है जो करे कर ले, हमको कोई लेना देना नहीं है, अलग होते अलग हो जाए साथ में रहते। मतलब जिन अपने हाल पर छोड़ चुके हैं वो वाले मायके वाले देखिए, उन्होंने जब देखा कि एक बिटिया वैसे ही दुखी चल रही है, देखते हैं वो मतलब देखते हैं पूछते हैं तो देख रहे हैं कि दुखी चल रही है, तो दूसरी बिटिया भी साथ में घूमने भेज दी है साथ में वो नर छोटों के साथ की, जाओ घूमो को वो डरती है तो क्या हो गया, तुम बहादुर हो तुम घूम लो साथ में, सब साथ में जाके मतलब एक बिटिया को सता रहा है एक आदमी, उसके साथ दूसरी भेज रखी है कि घूमो। और आवचिया की कर्टिसी देखिए, जिनके साथ जिन ये कह रही थी कि आपका सपोर्टर है, आप सपोर्टर्स हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मुझे सपोर्ट करते चलिए करते चलिए, इतनी कर्टिसी नहीं रखी। अभी तक बोल रही थी कि मैं बहुत सताई हुई हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है, मुझे लूट लिया गया है, उसी पर्सन के साथ जाके पानी में छलांग मार दी। इतना कर्टिसी नहीं हुआ कि बोल देती कि भाई हम जो है ट्राई कर रहे हैं, अब मत अब बोलने का को कोई फायदा नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ बीच में क्या। मैं पूछना चाहते हैं उचाह से कि वो सपोर्टर सब किस चीज में सपोर्ट करें, क्या करना क्या है अब उनको, वो क्या सोच के चले अभी। अब आउचे आहा से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कागजा जो दिखाने वाली थी, जो पेपर वर्क चल रहा है ये सब बता रही थी ना, फुल फ्लैश चल रहा है, तो वो वाला बिलोग कब आएगा। अच्छा आउचे आहा के लिए भी अब एक राय सलाह है, अब आउचे आहा ने जब ये बिलोग डाल ही दिया है तो एक राय सलाह है कि ये जो आउचे आहा अब आगे जाकर कभी ये नहीं कह सकती कि लोगों ने मुझे फोर्स करा था, चुप बैठाया था कि एक औरत अपना दर्द नहीं बांट सकती है, एक औरत को चुपचाप सब कुछ सहना होता है, क्योंकि लोगों ने तो पूरा साथ सपोर्ट दे दिया था कि भाई जाओ, घर वाले तक साथ खड़े हुए थे कि निकालो नल्ले को बाहर। और ये भी नहीं बोल सकती कि लोग इसके अब ये होगा एक दो दिन में आएंगे कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि तुम अलग क्यों नहीं हो रही हो, मैं एडजस्ट कर रही हूँ असली छोटों के खातिर, तो लोग बोल रहे हैं नहीं अलग हो जाओ, नहीं असली छोटू को अच्छे माहौल की जरूरत है। और आउचिया बोलती है कि नर छोटू के साथ आउचिया का जो माहौल बना हुआ है घर का वो एकदम वाहियात है, रिश्ते वाहियात है, तो लोग तो यही बोलेंगे अलग हो जाओ माहौल अच्छा करो, और कोई ये नहीं कहेगा कि जान का खतरा है लेकिन साथ में रहो, तो लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, जैसे पुत्तन के यहाँ पे लोगों का फॉल्ट नहीं है, इंकुड़ी का फॉल्ट है, यहाँ पर आउचिया आहा का खुद फॉल्ट है, वो खुद ही रहना चाहती है ऐसी जगह पर, तो कोई क्या करे। आगे से बस आपने भाव नहीं देना है, अब तो मैं कहती हूँ असली में कागज पे दिखाए तो भाव मत दीजिएगा। खैर अब चलिए आगे आउचिया आहा के लिए जाते जाते बहुत सता लिया, बता देते हैं न्यूज वाली बात, न्यूज रूमर्स फैल रहे थे इनको लेके, तो ये जो सच्ची अच्छी भोली प्यारी एकदम सही रास्ते पे चलने वाली आउचिया आहा है, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को व्यूअर्स को चिक चिक कर बोला और लोगों टॉन्ट भी करा कि जो चाहते थे, जो उनका नल्ला कांड पार्ट वन हुआ था उसमें लोग चाहते थे कि तलाक हो जाए तो वह खुश हो जाए, मेरी बात हो गई है कोर्ट में, बात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब इनकी बात हो रही है वकील से, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, ये क्लिक बेट करती हैं, तो इनके साथ इनसे दुखी होकर सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में क्लिक बेट कर दिया, लोगों ने लिखने लगे कि आपका जो केस है किसी वकील ने ले लिया है अपने हाथ में और आपकी न्यूज जो है चल रही है कैंपस वाले एरिया में, तो ये एकदम परेशान हैरान, और इतनी परेशान हैरान कि तुरंत देखिए मंगलसूत्र गले में वापस पहुंच गया। आउचे आहा ने बोला कि ये तो चलता रहता है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दिन तो आउचे आहा ने पानी में अटकेलिया भी करके दिखा दी। ये सब हुआ न्यूज के डर से, रूमर्स के डर से। अब आउचे आहा ने अगर सच में किसी वकील से बात करी होती ना तो इनको ये जरूर समझ में आ जाता कि जो जब केस होता है तो वो केस खुद को करना पड़ता है, यानी कि इनकी तरफ से कोई केस लड़ने नहीं जाएगा ये नर छोटों के खिलाफ कि इस औरत के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है हम केस डाल रहे हैं, नहीं। हाँ केस इन दोनों पे लोग डाल सकते हैं कि ये लोग ऐसे तमाशा मचा रहे हैं,
इस तरह का काम कर रहे हैं वो अलग केस होता है। आउचिया की तरफ से नर छोटो के ऊपर कोई केस नहीं डाल सकता है। अगर आउचिया ने अपने वकील से वाकई में बात करी होती तो वकील भी ये बात क्लियर कर देती, लेकिन जब किसी से बात ही नहीं करी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सोचा था लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो कैसे पता चलता है ये बेसिक सी चीज़। इनको ये भी नहीं पता कि भाई उसमें इनका साइन चाहिए होता, इनसे बात करी जाती, नहीं तो वो कैसे हो सकता है। और न्यूज की बात, तो एक बात बताइए, जिन न्यूज चैनल का ये नाम ले रही हैं तो उसका जो ऑफिस है वो क्या खाली वहाँ कैंपस एरिया में है? इनके यहाँ पे नहीं है क्या उसका ऑफिस? मतलब लोकल न्यूज लोकल पर चलाएंगे, वहां चला के वो करेंगे क्या? और जाते जाते अंत में एक छोटा सा लोगों के सवाल का जवाब। लोग कह रहे हैं कि आउचा ने बफर सिस्टम में खाना मिल रहा है, बफर सिस्टम में खाना मिल रहा है, ऐसे बोल दिया। अब देखिए, आउचा अपनी जगह सही थी। आउचा ने साफ साफ बोला तो था कि वहां पे खाना पका हुआ नहीं था, जो पका हुआ था खत्म हो चुका था, खाना पक रहा था इसलिए लोग वहां पर बफर हो रहे थे, यानी कि जमा हो रहे थे। उस हिसाब से बोला होगा ना उसने बफर सिस्टम, थोड़ा बहुत तो आप भी एडजस्ट कर लिया कीजिए। आउचिया ने वो पानी वाले पार्क के बारे में बात करी कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कितनी गंदी गंदी सी जगह पे आ गए। हम भी तो वही बोलते हैं आउचिया, हमारे जो नकली तलाक का ड्रामा चलता है पार्ट्स में दो दो महीने में, उसको देख देख के भी लगता है हम लोगों को कि क्या हम गंदी गंदी सी जगह पे आ गए। आउचिया ने बोला कि वहां पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं चारों तरफ, कितना गंदा गंदा सा लग रहा था। तो वही तो हम बोलते हैं आउचिया, जब आउचिया चलती हुई कार में से कूड़ा बाहर उछालते हुए दिखती है, बोलते हैं हम सड़क पे छिलके फैला देंगे कि कोई जानवर आ जाएगा तो खा लेगा, नहीं तो गाड़ियों के पहियों से इधर उधर सब पिचपिचा जाएगा। तो हम भी तो वही बोलते हैं आउचिया, समझो, देखो अपने अपनी कड़वी दवाई जब खुद खानी पड़ी तो कैसा लगा तुमको, समझ आया ना हमको कैसा लगता है, हमारी फीलिंग्स को ऐसे ही समझो। अब आउचिया ज्यादा से ज्यादा करेगी क्या? एक लाल बिंदी लाइव कर देगी कि लोग मुझे अलग करना चाहते हैं, लोग हमारे घर को जुड़ा हुआ देखना नहीं चाहते हैं, यही होने वाला है। और वैसे तो ये अच्छा ही हो गया, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो गया, जैसे मैंने बोला था ना कि दोबारा होगा तो और डाउन हो जाएगा, अभी ठीक है अभी चल रहा है लेकिन बाद में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना किसे बोलते हैं, वो इसी को ही बोलते। जाते जाते ये बोलूंगी दोस्तों कि मैं सोचती हूँ कि मैं कितना बोलूँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ डेली, क्या ठीक है मुझे अब मैं बंद कर दूंगी, लेकिन जिज्जा लोग आराम करने ही नहीं देते, नहीं जी रुक ही नहीं सकता ये, तो एक से बढ़कर जब हम सोचते हैं ना कि इससे ज्यादा क्या करेंगे, इस बारे में तो हमने बात करी ली थी पहले, कुछ नया ये ढूंढ के ले ही आते हैं। अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री कर रहे हो, आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, देखते रहिए प्रेमोलॉजी चैनल। बाय बाय।